हेलो हाय हाय जस्टिन की बत्ती गुल हो गई थी हाय तारा राइट यप तारा जस्टिन एंड साक्षी हैव मेड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अभी भी तुम्हारे आने से पहले दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं और क्या क्या प्यार से बुलाते हैं वो भी बता रहे थे मुझे नहीं समझ में आया कि उस वक्त क्या हुआ और मैं शायद अपने सेंसेस में नहीं थी मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं ब्लैंक हो गई थी कि व्हाई इज तारा हियर आई हैव कम हियर स्पेशली टू विन हर हार्ट एंड विन हर बैक व्हाट ओह माय गॉड विन हर बैक यस वी बोथ आर बचाता सेंसुअल डांस पार्टनर्स ट्रैवल करते हैं साथ में हम सिखाते हैं साथ में एंड वी शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद ईच अदर एक्चुअली हमारे बीच में कुछ इक्वेशन थी पर चीज़ें ख़राब हो गई देन वी स्टार्टेड वर्किंग एज पार्टनर्स हम साथ में काम करते हैं वी रन द डांस स्कूल टुगेदर एंड आई यू नो व्हाट लिटरली आई वाज डाइंग एवरी सिंगल मोमेंट मैं बहुत मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा एंड आई लिटरली लव यू सो मच Declaration of love. Doesn't know what to say. बोल मैं भी मिस करूंगा मैं मिस करूंगा नहीं वो अभी तो मेरे साथ ही है तो मैं क्यों मिस करूं है कि नहीं दिखते हैं यार Are you crying? तुम रो रहे हो What happened? No. No? पर आंखें तो तुम्हारी कुछ और कह रही हैं It is such a big gesture कि आप national television पे आके किसी को बोलें that you love somebody. मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था लिटरली मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कंफ्यूज फील कर रही थी या मुझे गुस्सा आ रहा था मूस को तो मैं जानती हूँ वी डिड अ शो टुगेदर बहुत मसाले लगाएगी ये आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू गाइस हाय आई एम मूस आई एम अ गुड पर्सन यार आई एम हैप्पी टू सी एवरीवन आई नो संदूस So I'm really excited to see her, but otherwise also really excited to meet everyone. मैं मूस के साथ एक शो किया और हमारे कनेक्शन पहले से was not good, but it was like strong at the end. So her being in the show is gonna be an emotional support for me. My name is Samarth Israel. I don't care किसका कौन सा कनेक्शन है मैं तू मेरा न्यू कनेक्शन बनाने आया हूँ मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन मैचेस आइडल जो भी है भैया देख लूँ मैं तो मैच बनाने आया हूँ और जीतने आया हूँ Oh my gosh, straight forward. Oh my god, bro. कशिश Yes. सुना है तुम्हें colored eyes वाले लड़के पसंद है That was one factor that I wanted. चलो एक factor तो हमने आपको दे दिया आगे आप ढूंढ लेना दूसरे factor. लेंसेस चाहिए मेरे पास है नहीं नहीं मैं लेंस नहीं बिना मैं लोगों की आंखें निकाल लूंगा भाई ओके उर्फी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमसे फिर से मुलाकात हो सकती है तब तक के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू डार्लिंग थैंक यू बाय गाइस तो ये उर्फी मसाले छोड़ गई है ना इसने ऑलरेडी बहुत धमाके कर दिए हैं और आने वाले दिनों तक ना इसकी गूंज और सुनाई देती रहेगी जस्टिन थोड़ा डाइसी दिख रहा है आई नीड टू टॉक टू बोला था राकेल के सामने चल मेरे साथ अभी जरूरत पड़ेगी उसे अच्छा देखते हैं लेट्स सी वो देखेंगे अपन यस वी विल आई थिंक जस्टिन 15 दिन से विला में था और वो साक्षी को 15 दिन से जानता था बट मैं साक्षी को बहुत पहले से जानता हूँ तो मैं बहुत क्लियर था कि मैं साक्षी को नहीं जाने दूंगा फिलहाल तो कुछ नहीं बोलना अभी वो जस्ट आया है तो जो भी उसका इक्वेशन है मेरे को ऑनेस्टली पता ही नहीं था कि क्या था इसके साथ मैं फर्स्ट टाइम इसको देख रहा हूँ वो भी मेरे को फर्स्ट टाइम मिल रहा है साक्षी से बात करूंगा अभी पहले तो और अब मेरी जिंदगी में जो तूफान आने वाला है उसकी भनक मुझे लग गई थी क्योंकि नाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड तो ये था गॉसिप विद गोलगप्पे और आज की रात सब लोग एग्री करेंगे बहुत ही मसालेदार थी हम मिलेंगे आपसे कल आपके अगले चैलेंज के लिए फाइनली हम सब वापस विला पहुंचे
मैं साक्षी के पास गया एंड साक्षी से मैंने बात की. क्या है तेरा और इसका इक्वेशन, और ये तेरे से इतना प्यार में क्यों है आते से? तो शो पे आने से पहले आई वाज वेरी मच इनटू हिम. उस वक्त ही रिसेंटली ब्रोक अप विद समबडी एंड ही सेड, सो वी हैड अ थिंग एंड देन ही सेड नो टू मी. सो देन वी बिकेम बिजनेस पार्टनर्स, मतलब हम काम कर रहे थे साथ में. वी रन द स्कूल, वी रन द स्कूल टुगेदर. हाँ अभी भी कर रहे थे. एंड अब आई डोंट नो व्हाई इज ही सेइंग दैट ही वांट्स टू विन मी बैक. कितने साल से जानती है इसको? आई हैव बीन लर्निंग विद हिम फॉर लाइक 1.5 साल. 1.5 साल अभी तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? आई डोंट वॉन्ट टू बी द बैड पर्सन और मेक यू फील बैड. आई वॉन्ट यू टू फील सिक्योर. तेरे को चाहिएगा तो मैं उसके सामने भी तेरे से बात करूँगी. मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न था कि मैं साक्षी से अकेले बात करना चाहता था. आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ क्लैरिटी. जैसे ही मैं कमरे के अंदर घुसा, मैंने देखा जस्टिन एंड साक्षी एक साथ बैठे हुए थे. मैं वहाँ पे जाके उससे लड़ाई नहीं करना चाहता था. मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि उनके बीच में क्या चल रहा है. क्या ही बात करूँ यार मैं तेरे से. मैं ये सोच रहा हूँ, देख सिंपल है. तुम्हारा क्या चल रहा है? मैं देखो एक सैंपल बताता हूँ. शो के फर्स्ट डे पे मेरे को साक्षी पसंद आ गई थी. यहाँ तक मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन किसी का रहा है तो मेरा और साक्षी का. विद ऑनेस्टी तो इतना सिंपल इक्वेशन है कि मैं नहीं चाहूँगा कि तू बीच में आए. मैं जेन्युइनली स्ट्रेस हो गया एंड मुझे ऐसा हो रहा था कि क्या बोलूँ. मतलब साक्षी से कुछ पूछूँ या तारा को पूछूँ या तारा को मारूँ या क्या करूँ. मैं थोड़ा शॉक में था. Can I also talk to her? कर बात. I'll be back in some time. ठीक है? टेंशन मत ले यार, तू इतनी टेंशन में क्यों बैठी है? चल रहा. इतने सारे मसाले लाइफ में आ गए थे. रात होते होते तारा नाम का एक कांटा मेरे लाइफ में आ गया था. तो आज का पूरा दिन ना हकीकत में बहुत बुरा था. चल रहा. Thanks. How's your game with him? He's a very nice guy. हम पहले दिन से साथ में हैं and वो मेरे साथ ही है. एंड पूरे विला को पता है कि हमारा कनेक्शन सबसे ज़्यादा जेन्युइन है. एंड पीपल रियली लव अस. एंड यू हैव अ रियल कनेक्शन विद हिम. हम ओरेकल के सामने गए कल. सो हमें बोला गया कि हम आइडियल मैच नहीं है. नहीं हो. इट वाज रियली शॉकिंग. बट तो उस बात को सुन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मुझे अंदर से एक होप आ गई थी कि मेरे पास बहुत ही बड़ा चांस है साक्षी को जीतने का. आप दोनों आइडियल मैच नहीं हो इन दिस गेम. वील स्पेंड सम टाइम, गिव मी सम टाइम. नो मैं कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ टाइम. अगर मैं आपके साथ पेयर नहीं करूँगी तो फिर आप गेम नहीं खेलोगे क्या? माई फर्स्ट प्रियोरिटी इज़ यू. व्हाट हैपेंड? हाँ कुछ नहीं, आई वाज मिसिंग यू. आई डोंट वॉन्ट हिम टू फील बैड सो आई विल गो टॉक टू हिम. I'll talk to you also then. Yeah. Okay. I'll go speak to you. I can help you. Okay. विला में जैसे ही एंटर करे बहुत पॉजिटिव वाइब था, पूल था एंड सब एक ही करके मुझसे मिलने आ रहे थे. तारा से मिलने आ रहे थे, मूस से मिलने आ रहे थे. योर लुक इज सो डिफरेंट. ऑल द शीज शी इज नॉट फ्रॉम हियर. शी इज फ्रॉम अरबियन सी. हु अरबियन? मैं ट्यूनिसिया. लुकिंग फॉर गुड कनेक्शन हियर इन स्प्रिट. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. आई मीन yeah, I'm looking for a good connection. We are too, but we don't found connection. Okay, you both don't have connection. That's why you're standing here. Oh my God. I think I have to talk. सबसे बात करना पड़ेगा मुझे. हाँ तो पहले बात कर लो. कशिश एक लड़की है जिसे कलर्ड आईज वाले लड़के बहुत पसंद है. मैंने सोचा ओके इससे बात करनी पड़ेगी. अरे वो लेंसेज हैं यार, किसके रियल है? मेरे ही है ना, बस मेरे रियल है. मतलब फर्स्ट डे आए थे तो सब लाइक एवरीबॉडी वाज टेलिंग देयर टाइप एंड व्हाट दे लाइक इन अ गर्ल. ओके सो यू टोल्ड दैट मुझे लाइक अ वेरी स्पेसिफिक फैक्टर दैट लाइक कलर्ड आईज ड्रॉन टुवर्ड्स गाइस. दैट्स ऑल. सो प्रोबब्ली दैट इज द रीजन दे स्पेसिफाइड ओवर देयर एंड माय कनेक्शन जस्ट गॉट डंप्ड. Ashish was very sweet, innocent kind of girl. दिखने में बहुत sweet थी, simple थी. मेरे दिमाग में बहुत चीजें चल रही थी कि whose connection should I break, who I should make friends with, who I should like, because everything has to be quite fast. सब कुछ जल्दी जल्दी होना पड़ेगा, because मैं wild card आई हूँ. Who's what kind of guys you like? I like funny guys. Oh, 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 oh,
बना लिया ना। छोड़ छाड़ सब देखभाल के दिल की नौकर कर ले। I've already said that if two people have a genuine connection, I'm not interested. But you should also know if you have a genuine connection. Yeah, oh, yeah, new connection. No, as in you, as in everybody. I'm just saying, like, people should be aware that if you don't, then give somebody a chance. But if you do, then that's also, just that's also fine. Yeah. So yeah, you figure out your thing also. हमारे विला में सिर्फ दो फनी लोग हैं। हाँ। दोनों आपके सामने बैठे हैं। मैंने बोला था मुझे दो लोग पसंद हैं। I want to be with someone like Honey, and I like his hair and his voice. And वो भी मेरी तरफ देख रहा था, मैं भी उसकी तरफ देख रही थी. So I was like, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? I think people just complicate things and I don't complicate things. आज का दिन पहले ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, इतने सारे मसाले थे उसमें. अब ये जो तारा नाम का मसाला मेरे लाइफ में आ गया था ना, वो चीज़ ने पता नहीं यार पूरा इक्वेशन मेरा ऊपर नीचे कर दिया था और मेरे को कहीं ना एकदम अजीब इमोशंस में बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे genuinely नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं क्या करूं. क्या बोल रहा था वो ये तो बता. अब ये मत बोलना बताएगी नहीं. नहीं नहीं, he's saying he wants to win me back and he said he's just saying that he needs time. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं किसको hurt करूं, because he's getting all teary eyed that I missed you and I want to win you back. Do you know where Shakshi is? Yeah. But she's not in the room. She's not there. And I don't want to ditch you. I don't. Okay. Happy. हो सकता है कि वो मेरा ideal match हो. ये एक possibility है. Of course. है ना? तो we'll decide if we are okay with it. If we are okay with it. Right. Okay. Happy. Happy आजा. Secure. सिक्योर क्या सिक्योर, टेंशन नहीं आएगा क्या? तू ये बता. जस्टिन एंड साक्षी एक साथ बैठे हुए थे और जस्टिन ने जानबूझकर साक्षी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था. He's telling him कि हो सकता है आइडियल मैच हो, बट इफ ही इज नॉट ओके विद इट, इफ ही डज नॉट फील सिक्योर, देन आई माइट नॉट वांट टू. ओके, तो उस चीज को सुन के मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट मैं उससे वहाँ पे लड़ना नहीं चाहता था. वो अब मुझे तेरा पर्सपेक्टिव बताओ स्प्लिट्सविला का. मेरा जो मेन फोकस है, जो जिसके लिए मैं आया हूँ, आई केम हियर फॉर हर. राइट. तो वो नाउ यू नो आवर आंसर. अभी आज पहला दिन है. Let me just talk to her. वही मैं बोल रहा हूँ ना, अभी ज़्यादा हरी नहीं करते. You guys can play together, but you guys are not ideal match. Understand that. So you need to look. We have no assurance that you guys are ideal match, right? No, that we'll see. मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि मेरे को साक्षी के लिए जितना फाइट करना पड़े, जब तक फाइट करना पड़े, मैं फाइट करूँगा, क्योंकि मेरे लिए साक्षी उतनी इम्पॉर्टेंट है और मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ उसको अपने साथ रखने के लिए. बट तुम आइडियल मैच ही नहीं बने, इफ़ यू थिंक कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तुम्हारा. क्या बोला वो, एक कन्फ्यूजन मेरे को भी नहीं पता कैसे हुआ कि बाकी सब तुम आज होता है ना. साक्षी और मेरा कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. मैं बहुत क्लियर था कि मैं साक्षी को नहीं जाने दूंगा. Can I talk to her? फिर से बात कर लिया तुझे. कम. थोड़ा टॉक. चल कंडे बात. मैं देखिए यही पे चिल कर लो. वेरी गुड. लेट्स गो टू सम रूम. मुझे तो पता भी नहीं आ रहा. हल्का. मैं उससे जानना चाहता था कि वो क्या चाहती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है. मैं यहाँ पे स्पेशली आपके लिए आया हूँ सॉल्व करने के लिए. एंड आई डोंट वांट टू फाइट विद एनीबॉडी. I understand it's your game. क्या गेम चल रहा है? Understand कि भले ही मैं उसके साथ 15 दिन से हूँ, but he's a genuinely very nice guy. And imagine if you were at his place, तो how would you feel? अभी उसे 15 दिन मिले, can I also get time over here? I'm ready to give you time, but I don't want my partner to feel bad or insecure at any point. क्योंकि ऐसा होगा तो फिर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी. ठीक है. If that is okay with you. ठीक है. Then we can work this out. ठीक है. Understood. Yeah. Can I go now? मेरा और साक्षी का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसका मुझे बिलीव था कि मैं साक्षी को बहुत जल्दी मना लूंगा. मैं गिव अप करने वाला हूँ ही नहीं और मेरी वो पर्सनालिटी ही नहीं है. Where are you from? I'm from Punjab. Well, I'm from Sirsa. It's in Haryana near Punjab. So I'm a Punjabi. देखो शर्मा रही है से बात करके. हर में सो ही नहीं. यार शर्माने वालों का काम नहीं है.
सबसे बात करने के बाद मैंने ये ऐलान कर दिया था विला में कि मुझे हनी ही पसंद है, मुझे हनी के साथ ही कनेक्शन बनाना है. Do you have a connection with somebody else before? Yeah, yeah. Okay. Just for like 8-10 hours. लीना वाज द गर्ल जिसके साथ मेरा सीन शुरू हुआ. एक मिनट, कौन सी ली? रेड ड्रेस? यस. हां तो डेविल आईज. अभी लास्ट दो दिन से मेरा कनेक्शन कशिश के साथ स्टार्ट हुआ. बट आई थॉट दैट कशिश लाइक दिस गाय जोशुआ. तो उसका सीन हो गया ना खत्म. मेरा जो कनेक्शन है वो कशिश के साथ बहुत अच्छा अभी स्टार्ट हुआ है. मैं ऐसा बंदा हुई नहीं कि जो कमिट करके हट जाए. तो मैंने जो कशिश को कमिटमेंट करी वो मैं पूरे करूंगा. तो बाकी मेरी किसी लड़के से ऐसा कोई इंटरेस्ट मेरे को लगा नहीं. मेरे को वाइब नहीं आई. तो आगे वाइब अभी तो थोड़ी वाइब आना स्टार्ट हुई है. लेट्स सी कैसे जाता. तू अच्छा लग रहा था वहां हंसता ना. एक्चुअली दैट्स व्हाई आई थॉट. ठीक है, यू डू योर थिंग विद कशिश. लेट मी नो व्हेन इट्स ओवर. इवन आफ्टर द शो लाइक गिव मी अ कॉल. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हनी कशिश के साथ अपना कनेक्शन तोड़ देगा और मेरे साथ कनेक्शन बना लेगा. बिकॉज दैट इज द नेक्स्ट ऑब्वियस स्मार्ट मूव फॉर हिम टू मेक. हनी और मेरा कनेक्शन अभी बहुत फ्रेश और न्यू है. ऊपर से अब दिस न्यू गर्ल हैज कम हु स्टार्ट्स लाइकिंग द सेम गाय आई एम बिल्डिंग माय कनेक्शन विद. बात भी ना करूं मैं. नहीं नहीं, नहीं बात कर, बिंदास बात कर. बैठ इधर. बात तो करनी पड़ेगी ना. हाँ. इधर आ जा. कुछ नहीं, ऐसे कह रही थी. अच्छा लगा तू. वो कलर वाले आंखें वाले लड़के के पास गई नहीं. मैं वो घबरा, वो बेचारा घबरा गया मेरे को देख के. यार वो क्या करेगा तेरे से बातें करके. मेरा जो कनेक्शन है वो कशिश के साथ बहुत अच्छा अभी स्टार्ट हुआ है. आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस कनेक्शन. हाउ इज मोजी लाइक हर? शी सीम्स स्वीट. या और ऊपर से पंजाबी है ना तो चक्कर गया है मेरा. समझ जाती है नेचर नेचर पर. उसको फनी लड़के भी बहुत पसंद है. तो सबसे ज्यादा फनी कोई है नहीं यार. अब वो मैं कैसे बताऊं. ठीक है भाई, इतना क्या मुंह बना रही है. अरे मैं कहां मुंह बना रही हूं यार. आई विल बी द लास्ट पर्सन टू गेट इनसिक्योर ओवर यू. जो कशिश को जेलसी फील होने लगी थी वो मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी. बहुत मजा आ रहा था. मैं कहा यार लड़की जेलसी फील कर रही है मतलब शी इज इनटू मी. तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था. Taste is amazing. Just like me, your taste. आज की जो मॉर्निंग थी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी क्योंकि अब तक मैं रोज खुशी खुशी उठता था, साक्षी को देखता था. बट आज का दिन वो जो खुशी थी वो मिसिंग थी क्योंकि तारा नाम का कांटा मेरे सामने था. तो मुझे ना मेरे और साक्षी के बीच का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो हल्का सा वीक होता हुआ दिखा. Listen. I want to tell you this thing कि जो आपको लगता है ex dance partner के बारे में मेरा कोई सीन ही नहीं था. Don't lie to me. I'm not lying to you. Please. I'm telling you the fact. But तारा मेरे लिए बहुत difficult हो रहा है आपका ये explanation और दुनिया को explain करना. मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हमारा एक साल का relation वो आपको 15 दिन पहले मिला है. हमारा क्लोजर नहीं हुआ है. मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको लगती है वैसी नहीं है. मैं आपको समझा रहा था. क्यों नहीं मुझसे क्लियर किया? मैंने ट्राई किया बट आप यहाँ गेम शो में आ गई. उसके बाद मैं नहीं रह पाया वहाँ बाहर. आई वॉन्ट टू कम टू यू एंड टॉक टू यू. जिस इंसान को मैं थोड़े टाइम के पहले पाना चाहती थी या बिल्कुल खोना नहीं चाहती थी वो मेरी आंखों के सामने खड़े होके मुझे ये बोल रहा है दैट आई वांट टू विन यू बैक. तो उस सिचुएशन में मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं. मैं वही कह रहा हूँ कि अभी क्या कर रहे हो. देखो क्या चाहिए मतलब अभी तू गेम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है कि क्या सोच रहा है. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. मैं ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है ये तो पहले मेरे को समझ नहीं. ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ. सो व्हाटएवर यू वांट टू से प्लीज से इन फ्रंट ऑफ हिम. बैठ पता नहीं हाथ तो छोड़ कर. नहीं मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा. मैं कह रहा हूं बैठ जा बात करते हैं. हम बात कर रहे थे. हाथ छोड़. तो ऐसे बात करने वाली साक्षी तो मैं उठ के जा रहा हूँ अब भी. अरे तुम बात करो ना यार. बट ऐसे बात करने वाले तो मैं अभी जा रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ तेरे. सीधी बात
Just leave him, leave it na. He's not feeling comfortable. Bola. क्या बोल रहे बोल तुम्हें से 15 दिन हुआ मैं उसे एक साल से हम दोनों कनेक्टेड हैं ठीक है एंड वी हैव बार बार शो किया मेरे को बार बार जानना है शो के अलावा कुछ शो के अलावा बहुत सारी चीजें हैं ओके एंड मैं क्या करूँ फिर हाँ मैं क्या आई एम नॉट सेइंग तू क्या करे कुछ मैं तो बोल ही नहीं रहा कि तू डिच कर मैंने आपसे ये बात करी कि आप इसे डिच करो अरे तो बट मैं क्या करूँ आई हैव बट यू नीड टू सी तुम क्या तेरा जो बोलने का साक्षी तुमको ही सोच रहा है ना सिंपल है ना तुम्हें ही सोचना है कि तुम्हें क्या करना है और तुमको अगर ऐसे करना है फिर समझ लो मैं वो लड़का नहीं हूँ ये मैं जानता हूँ मैं अपना जान लगा दूंगा साक्षी को पाने प्लस मुझे ये भी फोकस करना है कि गेम में आगे बढ़ने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी तो मेरे लिए अभी फिलहाल बहुत टफ टाइम है जब मुझे अपने कनेक्शन को भी बचाना है और गेम में भी स्ट्रैटेजाइज करके आगे बढ़ना है मैं यही कहना चाहती थी कि लाइक आई रियली वॉन्ट टू स्पीक टू यू एंड लाइक टेल यू दैट आई लाइक हाउ यू आर आई थिंक यू आर अ जेन्युइन पर्सन एंड यू आर समबडी दैट लाइक यू नो हु इज़ माई टाइप विच आई रियली कुडंट लाइक टेल यू पहले ओके बट अभी क्यों कर रही है ये कन्फेस ऐसा क्या सोच रही है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर कर रखा है ये सबको कि मैं महक के साथ में ही कनेक्शन देखता हूँ अपना मुझे पता है आपको लाइक आपका बॉन्ड हो चुका है यू रियली लाइक महक इज वेरी स्ट्रॉन्ग मुझे सिर्फ ये बताना था क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि कब बताओ कब बताओ कब बताओ एंड इट्स गेटिंग वेरी लेट सो इट्स वेरी लेट या आई नो इट्स वेरी लेट या मैं नकाशी ने को यही बोला कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है अब मैंने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स दे दिए हैं मेरा और महक का रिलेशन बहुत आगे आ गया है और अब आई थिंक वो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी मुझको जहाँ पे मैं और आकाशी ना सोच भी पाए कि हाँ कि कुछ कनेक्शन हो सकता है शायद एकदम से एक घंटी बजती है एंड देन वी ऑल रन टू द स्क्रोल एंड मैं बहुत एक्साइटेड था कि स्क्रोल में क्या लिखा हुआ है क्योंकि ये मेरा पहला दिन था गुड मॉर्निंग स्प्लिट्सविले आफ्टर दैट स्पाइसी गॉसिप सेशन विद आवर मिसचीफ मेकर यू ऑल गॉट टू नो योर नाउ न्यू स्प्लिट्सविले नाउ इट्स टाइम फॉर योर नेक्स्ट चैलेंज सो गेट रेडी एंड मीट अस लव अर्जुन एंड सनी हम सब रेडी हुए और निकल पड़े अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ जैसे ही हम अपने नेक्स्ट चैलेंज लोकेशन पे पहुंचे काफी बड़ा सेटअप लगा हुआ था Hello boys and girls, welcome to MTV Splitsville Up 14, co-powered by Wildstone Deos and Perfumes and on Total Comfort. And this is your next challenge. Yeah. Woo. There's three spicy new wild cards. Hello. Hi. How do you like Splitsville? Very spicy. Ghanta spicy, Sunny, nothing is happening. I've noticed everybody is scared. Nobody's playing with their heart and I can tell you that in one day. I think लोगों को शायद लगे कि मैंने जल्दबाजी में बोल दिया कि सब फेक है कोई दिल से नहीं खेल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कभी लोग फ्रेंड्स हैं कभी नहीं है कभी एकदम से and then the guy I liked has stopped talking to me since yesterday. अरे मैं देखा खुद बात करने बंद कर दिया। मेरा कहने का ये मतलब है कि I really wish people took more risks and somebody like me has come along. Come on. इतना तो बनता है oh, wow. मतलब हनी भी पसंद आ रहा है लड़कियों को इतना ज्यादा कि आते ही मूज ने बोला कि मेरा कनेक्शन तो सिर्फ हनी बनेगा मैंने कहा हनी यार तू तो फंस गया हनी व्हाट्स गोइंग ऑन मैंने ऐसा कुछ नहीं करा वो कल रात तक ये लोग फ्रेंड्स थे कल सुबह तक शी टोल्ड समर्थ देयर फ्रेंड्स ही इज कमिंग एंड टेलिंग मी दे लाइक ईच अदर आई एम नॉट लाइक मुझे रिजेक्शन से कोई डर नहीं है आई एम लाइक आई लव रिजेक्शन बट वो शान से होनी चाहिए मुंह पे होनी चाहिए यू नो यहां पे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा लाइक मैं ट्राई करूं मैं ना करूं Am I like the second option already? I didn't like being an option. I am so sure of honey. I also want somebody that is very sure of me. Task karne ke liye saath ho or do you guys like each other because I need clarity. We have started the bond. We have just started the bond. So would you like me to back off? Yeah. You would like me to back off? For the yes. For now, yes. No, no, for now, yes. This is the issue. Ab, ye English se chakkar mein mujhe basa dete hain yaar. Abhi ke liye haan.
मैं अभी मैंने उसे कुछ कमिट करा है, मैं अब मेरे कुछ वाइब स्टार्ट हुई है तो मैं कमिट कर रहा है कि अगर वहां कमिट नहीं हो तो यहां कमिट कर लेगा। नहीं मैंने ये कमिट नहीं करा, मैंने क्या बोला, मैंने कहा मेरी वाइब स्टार्ट हुई है, मैं सच मुंह पे मैं 10 लोगों के सामने तेरे को यहां पे भी वाइब है, वहां पे भी है, पर वहां पे बोला हुआ है इसलिए इट्स नॉट अबाउट बोला हुआ है यार, मेरे को वो लड़की पसंद है, मेरे को वाइब आती है तो इट्स आई थिंक यू रियली गो लाइक हेड फर्स्ट। मूज को लगा कि यू नो वो उसे सेकंड ऑप्शन रख रहे हैं, सो या इट इज राइट मूज, यू आर द सेकंड ऑप्शन, आपको जो भी बोलना है आप बोल लो। जस्टिन तेरी तो हंसी चली गई, क्यों यार, यू ऑलवेज यूज्ड टू स्माइल, यू आर नॉट स्माइलिंग। हाँ कल क्योंकि सरप्राइज थोड़ा सा वियर्ड सा मिला, मतलब कल जब वो आया उसने बताया, बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा शांत था। मैंने पूछा साक्षी से पहले एग्जैक्टली कि क्या सिनेरियो है, उसने मेरे को बोला कि कहीं ना कहीं उनका जो सिचुएशन था पास्ट में पता नहीं क्लियर आउट नहीं हो पाया, तो इस कारण दे हैव सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन, बट शी वांट्स टू कंटिन्यू विद मी, सो आई लाइक इट। आज सुबह से हमारी बात थोड़ी कम हुई है, उसकी तबीयत भी ख़राब है, तो इसके लिए मैं अभी थोड़ा सा टेंस टू उसके लिए, इसके लिए स्माइल नहीं कर रहा। बहुत टाइम पहले से हमारा सीन चल रहा है और ये क्लियर आउट नहीं हुआ था, क्लोजर नहीं मिला था बेसिकली, एंड शी केम ओवर हियर, वो स्प्लिट्स में आ गई तो वो क्लियर ही नहीं, उसके पीछे पीछे यहां आ गया। ऑफ कोर्स मैं उसके पीछे पीछे यहां आ गया। क्यूट, हाउ स्वीट, वेरी क्यूट। चलो आते हैं अब चैलेंज पे। यस सर। किसको सबसे ज्यादा गोलगप्पे मिले? आमिर एंड आकाशलीना, सो तुम दोनों आज परफॉर्म करोगे। ओके, मतलब जो मैंने हामिद को गोलगप्पा खिलाया था वो उसके फेवर में काम कर गया। अब आपको अपना एक पार्टनर चूज करना है। ओह शिट। जिसके साथ आप परफॉर्म करना चाहते हैं। फर्स्ट हामिद। संदूस। ओके। एंड आकाशलीना। आई वांट टू आस्क कशिश इफ ही वांट्स टू परफॉर्म। मुझे पता था कि मेरे साथ अगर कोई परफॉर्म करने के लिए कंपैटिबल है लड़कों में से तो वो सिर्फ कशिश ही है। Want to ask Mehak if I can perform? जोरू का ग्लाम तुझे टाइटल नहीं मिला था, तू खुद ले बोल। तो बोल ना। हाँ जा पागल है क्या? Okay, I'll perform. Good job, Mehak. Very good. This is exactly what I wanted. मैं ये बताना चाहता था आकाश रीना को कि ऐसा नहीं है मैं तुम्हारे साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे कुछ इंटरेस्ट है तुम्हारे में, मेरा कनेक्शन अगर यहाँ पे किसी के साथ है तो वो सिर्फ महक है। सो आज का चैलेंज होगा बिटवीन हामिद सुंदूस एंड कशिश आकाश रीना। आज का चैलेंज का नाम है ब्रिज ऑफ लव। यहाँ कुछ प्लैंक्स हैं जो सैंड में गड़े हुए हैं, आपको उन्हें निकालना है और देखना है वो कौन से दो प्लैंक्स हैं जो परफेक्टली लैडर में फिट होते हैं ताकि आप ऊपर जा सकें। ऊपर जाके तीन दरवाजे एंड सबसे पहले बीच वाले को तोड़ना था, तो यहाँ पे हमको की मिलने वाली थी, अपने कनेक्शन को अनलॉक करना है। Once you've unlocked your partner, you move on to the first door. पहला दरवाजा जब आप तोड़ोगे उसके अंदर एक रस्सी है जिसमें 10 नॉट्स हैं। उधर भी एक की है जो मेरे में वेट बंधा हुआ है वो खोलने के लिए था। जब आप तीसरी डोर ब्रेक करेंगे उसके अंदर एक लॉक एंड की होगा। That lock and key is going to lock your heart together in this challenge. दिल जोड़ने से पहले आपके पास एक छोटा सा चैलेंज है। लास्ट स्टेज में हार्ट जोड़ने से पहले एक क्यू कार्ड मिलेगा और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो दिमाग दौड़ने लगा कि भाई क्या हो सकता है। उसके बाद जो है आप अपना दिल जोड़ सकते हैं विद द लॉक एंड की। द टीम दैट कनेक्ट्स द ब्रोकन हार्ट टुगेदर फर्स्ट विंस। मुझे लग रहा था ओ माय गॉड मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, बट इट वाज जस्ट लाइक गिविंग मी द चिल्स बिकॉज़ This was one of the toughest challenges अब तक के। तो आज होने वाला था दो रोडीज विनर्स के बीच में टक्कर और आज चल जाएगा पता कि who is the best। Two best friends in the villa competing against each other's me against Akashina। अब ये दोनों सेम ही ग्रुप के हैं, इन दोनों में से कोई जीतेगा और पावर में जाएगा तो शायद मेरे दोस्तों में से आज कोई घर जा सकता है, तो ये चैलेंज जीतना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हमारा चैलेंज शुरू होने वाला है, मेरे अगेंस्ट है कशिश। कशिश कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मर है एंड ऑब्वियसली
ये इतना इजी नहीं होने वाला, तो कंपटीशन काफी तगड़ा है। Are you guys ready? Yes sir. Yes sir. Best of luck guys. Thank you. जहाँ पे मैं शुरू हूँ वहीं पे तू खत्म है, भेजे में बात मेरी डाल दे। मेरे मन में जितनी भी फीलिंग्स थी, जो भी चीज थी एक दोस्त के लिए, वो सब खत्म हो गई थी और मुझे हामिद को बताना था कि who is the best. 3, 2, 1, go. Come on. चल. चल बहुत भारी, एक नंबर एक नंबर। मुझे ये पता था कि वहाँ पे सिर्फ दो फट्टे ऐसे हैं जिनके बीच में लॉक करने का गैप ज्यादा है, बाकियों में बहुत कम था। चल कशिश ध्यान दे। वेरी गुड हामिद। वो जितना इजी लग रहा था वो उतना इजी नहीं था, क्योंकि वेट भी बंधा हुआ था पैरों पे। चल कशिश वेट पे। वेरी गुड वेरी गुड। डोंट डू वन बाय वन, डोंट डू वन बाय वन। इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टेप बाय स्टेप, ही कुड हैव टेकन स्टेप एंड देन टू स्टेप। वी लॉस्ट लाइक सम 5-10 सेकंड्स देयर। डोंट डू वन बाय वन, डू ऊपर वन लाइक हिम। यस कशिश कम ऑन, गो गो कम ऑन। ये चैलेंज जीतना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर हामिद और सोंदूस अगर जीत जाते तो पहली बात है वो पावर में आ जाते, वो सेफ हो जाते। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, लवली। चल चल चल, लवली लवली, एकदम एक नंबर। गुड जॉब कशिश। मुझे पता था कि उसके पैर में बहुत ज्यादा इंजरी है, बट इन स्पाइट ऑफ द इंजरी ही वाज प्रीटी फास्ट। एकदम टास, मतलब एकदम कट टू कट जा रहा था, मतलब दोनों साथ में परफॉर्म कर रहे थे, दोनों एक साथ आगे जा रहे थे। द वे ही ब्रोक द डोर, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, व्हाट एम आई लाइक सीइंग राइट नाउ। गुड जॉब गुड जॉब। चल चल आमिर, मैं चाहता था कि हामिद जीते, पावर वन साइड हो जाए और मैं सेफ हूँ। गो 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 गो। क्या बात है यार, फुल पावर। वहां पे नॉट्स थी बहुत सारी और उसके सबसे ऊपर वो की थी। अब मैंने ये सोचा जितने में ये नॉट्स खोल रही है, क्यों ना उतने में मैं वो फट्टों को उठा के ब्रिज पे अरेंज कर दूं, ताकि हमारा टाइम बचे। सुंदूस, जितना हो सके जल्दी कर नॉट्स को खोल। वहां थोड़ा सुंदूस ने टाइम लिया एंड आई थिंक उससे नॉट्स नहीं खुल रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी लगी हुई थी एंड उसको फुल मोटिवेट कर रहा था कि चल कोई नहीं। बहुत बढ़िया, दोनों बराबर चल रहे हो भाई, दोनों बराबर चल रहे हो। अरे बहुत बढ़िया, एक मुक्के में फट्टा तोड़ने वाला लौंडा है तू। गुड जॉब गाइस। मैं जब आगे बढ़ रही थी तब मैंने देखा कि सुंदूस वाज स्टिल नॉट डन विद हर अनटाइंग और मुझे पता था कि ये बहुत क्लोज कॉल होने वाला है। वेट वेट, केयरफुल मेरा, केयरफुल। फिर बारी आई ब्रिज बनाने की और हार्ट के पास जाने की। दिस इज वेयर आई वॉज सो स्केयर्ड। वेट वेट, कम कम। यस, कम ऑन दिस, कम ऑन दिस, कम ऑन दिस एंड सिट डाउन। क्योंकि वो थोड़ा सा हाइट से डरती थी तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा नीचे बैठ जाइयो। बहुत बढ़िया यार, आराम से, आराम से, बी केयरफुल। तो जैसे ही आकाशीना उस फट्टे पे आई, आकाशीना बिल्कुल पैर नीचे लटका कर बैठ गई। आई वाज लाइक इसने कुछ भी गलती करी तो ये चैलेंज हम हार जाएंगे। केयरफुल केयरफुल केयरफुल। वेरी गुड सुंदूस। सुंदूस तो टू गुड भाई, उसने भी डोर तोड़ दिया। उसने काफी स्ट्रांग है मेरी लड़की, हमने वहां पे कलेक्ट किया लॉक और की। वेट निकालना यार। डोंट सिट लाइक दिस, ओके नेक्स्ट टाइम। केयरफुल केयरफुल, पहले हाथ रख। हाँ
अरे पहला डा यस यू हैव माय हैंड यस गुड जॉब कशिश फट्टे तो छोड़ दो उसने फट्टे नहीं रखे आगे खुद को भी नहीं रख पा रही थी वो आगे मैंने और आकाश ने ब्रिज पे आगे बढ़ना शुरू करा मैंने देखा कि हामिद भी वहां पे पहुंच गया है अब हमारा गोल यही था कि हमें पहले पहुंचना है प्लेटफॉर्म पे और वहां जाके वो क्यू कार्ड पहले पढ़ना है चल 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 थोड़ा आगे रख एंड आई सी काशिश एंड आकाशीना कमिंग आई सी अस गोइंग एंड वी लाइक ऑलमोस्ट बोथ ऑफ अस देयर मुझे बस कशिश दिख रहा था और मैं दिख रही थी मुझे हामिद और सिंदूस भी एक पॉइंट के बाद नहीं दिख रहे थे आई वाज जस्ट लाइक वी गॉट टू गो टू दैट हार्ट जॉइन इट फिनिश द चैलेंज एंड जस्ट विन दिस गुड जॉब गुड जॉब आई वाज लाइक डैम पहले पहुंचे आकाश सिन्हा और कशिश एंड आई वाज लाइक क्या हो गया मुझे बता कशिश मुझे बता दिल को जोड़ने से पहले नेम सेवन मूवीज विद दिल इन इट आपको सेवन बॉलीवुड मूवीज बोलनी है जिसके अंदर दिल आता है एंड मैं हूँ बॉलीवुड पर्सन दिल तो पागल है हाँ दिल दीवाना है हाँ दिल मैं वहाँ पे ब्लैंक हो गया था मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड ऑब्वियसली मैं सुंदर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसको हिंदी मूवीज के नाम पता हो दिल टूट गया नो पागल दीवाना मैम ये दिल है मुश्किल दिल दीवाना है दिल तो पागल है बस लाइक दिल से इतनी सारी मूवीज हैं और मेरे माइंड में उस टाइम पे मूवी का नाम ही याद नहीं आ रहा है चल चल सोच कम ऑन गाइस दिल दे चुके सनम दिल चले दीवाना दिल दो सिरांस दिल जले मैं एक मूवी बोल रहा हूँ वो एक मूवी बोल रहा है दोनों का बिल्कुल बैक टू बैक चल रहा है दिल तो पागल है यू रिमेंबर द मूवीज फ्रॉम दिल प्रेशर इतना था कि उस वक्त कुछ भी याद नहीं आ रहा था फिर से बोल तू पूरा खिचड़ी बना दिया है तूने शुरुआत से बोल चल कशिश वेरी गुड ऐ दिल है मुश्किल दिल तो पागल है दिल तो पागल है हां दिल जल जले दिल जले एक दिल एक जान एक दिल एक जान क्या करे जब किसी दिल दीवाना दिल दीवाना दिल दिल है कि मानता नहीं और दिल चाहता है एक और दिल 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 क्या चल रहा है मतलब दिल दिल से कौन सी मूवी है यार दिल से दिल से दिल से दिल से मतलब दिल से हाँ दिल से भी तो मूवी है दिल से दिल से साथ हो गए Done. Okay. We have clear winners. Kashish and Akash Leena. Kashish and Akash Leena, y'all are safe in the dumping ground today. Baki and safe. Ab milte hain raat ko dumping ground mein. Dekhte hain ki aaj ghar kaun jata hai aur kaun yahan splits villa mein bach jata hai. मेरा जो मोटिव था जो गोल था आज की हामिद और सुंदूस को वन साइड हराना तो आज मैंने हामिद और सुंदूस को बता दिया कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है आपको स्ट्रेंथ और दिमाग दोनों चाहिए होते हैं ये पहला चैलेंज था जो मैंने और सुंदूस ने साथ में परफॉर्म करके हारे हैं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था एंड कहीं ना कहीं हमको पता है कि अब चैलेंजेस जीतने का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ओरेकल इंट्रोड्यूस हो चुका है तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड था अपने आप से